एक मंत्र जान लो, फिल्म से आप जितना कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, फिल्म आपको उतना मजा देगी। अगर मजे नहीं भी दी कोई बात नहीं, हम तो तो देखो, रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, पूजा हेगड़े स्टारर, सर्कस मूवी आज थिएटर में आ चुकी है, जिसको देखने के बाद मुझे रणवीर सिंह का शौक लग गया। शौक वाला शौक नहीं, करंट वाला शौक लग गया। सर्कस मूवी को लेके ऐसा कहा जा रहा है कि 1982 में आई अंगूर फिल्म की रीमेक है, जो खुद एक रीमेक है 1968 में आई बॉलीवुड फिल्म दो दुनी चार की। कहा जा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों फिल्म देखी नहीं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म बेस्ड है विलियम शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर बुक से। अच्छा, ओके, ठीक है। कहा जा रहा है रीमेक है क्या नहीं है वो सब साइड में रखते हैं, मूवी कैसी लगी देखने में उसकी बात करते हैं। बाकी सारी ओरिजिनल फिल्में मैंने देखी नहीं, तो सर्कस मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था। और मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन दूं तो मूवी एकदम ठीक ठाक है। ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखने को तो नहीं मिला, पर जितना भी देखने को मिला ठीक ही था। तो चलो, सर्कस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत हम भी चर्चा करेंगे। और चर्चा में क्या करेंगे, यही करेंगे कि मुझे आता नहीं राइम करना, फिर भी मैं कर रहा हूँ, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, सोचता हूँ सो जाऊँ, सोने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं आया, फिर मुझे समझ आया, जो इसमें आया। तो क्या हाल है सबकी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आरडी एक्सेस व्यू। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फट से रिव्यू करके निकलते हैं। बिना स्पॉइलर वाली स्टोरी की बात करें तो एक दिन किसी अनाथ आश्रम में दो जोड़ी जुड़वा बच्चे आते हैं, रणवीर सिंह वरुण शर्मा, टोटल हो गए चार। फिर एक डॉक्टर को चूल मचती है, दोनों को अदला बदली कर देता है, ये बताने के लिए कि खून के रिश्ते से ज्यादा परवरिश अहमियत रखती है। दोनों अलग अलग जगह पे पलते बढ़ते हैं, उनमें से एक जो है विद्युत मानव, जिसको करंट नहीं लगता, वो एक सर्कस का ओनर है, सर्कस में अपने जलवे दिखाता है। फिर एक समय आता, दोनों एक शहर में पदार्पण करते हैं, जिससे लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता और फुल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो देखने में एवरेज था। बस बिना स्पॉइलर वाली स्टोरी खत्म। देखो, मूवी में जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है डबल रोल को लेके, ऐसा कुछ नया नहीं था, पहले भी हम कई मूवी में देख चुके हैं ये सारी चीजें। बस एक आध मोमेंट्स को छोड़ के जो देखने में ठीक ठाक ही थे, और उसी कंफ्यूजन के थ्रू जो कॉमेडी क्रिएट होती है वो ज्यादा फील नहीं होता। कॉमेडी के थ्रू हंसने की बात करें तो सर्कस के प्रमोशन के समय कपिल शर्मा शो देख के इससे ज्यादा हंसा था मैं। मूवी में कास्ट तगड़ी है, एक से एक टैलेंट भरे हैं, इनको देख के समय निकल जाएगा। रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, एज ऑलवेज गुड एक्टिंग के मामले में। बाकी के कास्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, मूवी के कास्ट को देख के ही समय निकल जाता है, वरना मूवी के स्टोरी में कुछ ऐसा था नहीं जिससे मजा आया आपको। थोड़ा बहुत है पर इतना ज्यादा फील नहीं होता। ओवरऑल मूवी की बात करें तो मूवी ठीक ठाक है, एक फैमिली एंटरटेनर है, फैमिली के साथ समय बिताना है या फिर आपको 2 घंटे टाइम पास चाहिए बिना किसी दिमाग लगाए तो मूवी आप देख सकते हैं। मेरा कोई ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था मूवी से, रोहित शेट्टी की मूवी है, बहुत मजे आएंगे, ये होगा वो होगा, बस ये सोच के मूवी देखने गया था कि 2 घंटे मूवी है, मूवी देखने अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, वन टाइम वॉच तो है, मूवी देख सकते हो एक टाइम। बस मूवी से इतना एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मूवी बहुत ज्यादा मजे देगी। मूवी को लेके मेरे थॉट्स मैंने बता दिए, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन खाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, 100 सब्सक्राइबर करने साल खत्म होने, ऐसा उम्मीद है आप कर दोगे। चलो, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।